ये खत्म होने के बाद ये एक क्वेश्चन है, ये कॉम्पिटिटिव फिजिक्स में पूछा गया था एक बार, लेकिन ये बोर्ड्स में आने के भी चांसेस होते हैं। एक बार देख लेते हम लोग रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगा। तो सिंपल है ये, अगर मेरे पास डिस्टेंस है डिफरेंशिएट कर दो, खत्म हो गई बात। सो 1/v + 1/f ये इक्वेशन हमारे पास है, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो यहाँ पे 1/v का जो डेरिवेटिव होता है -1/v² dv/dt, 1/u का होता है -1/u² du/dt, सिंस f इज अ कॉन्स्टेंट तो आंसर आया 0, और यहाँ पे आपने क्या किया था, डिफरेंशिएट किया था विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो 1/v² vi, इसको आप vi बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ इमेज, du/dt ये हो गया आपका वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। सो 1/v² vi + 1/u² v0 = 0, vi की वैल्यू होगी, रीअरेंज करना है, ये टर्म इधर चला जाएगा और ये v square भी उधर जाएगा, तो -v² / u² v0, सो विच इज इक्वल्स टू v/u के जगह पे आप क्या लिख सकते हो, देखो v/u के जगह पे आप f/f - u सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, या f - v/f सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, तो करते हैं सब्स्टिट्यूट। सो माइनस साइन तो बाहर रहेगा, सो v/u के जगह पे आएगा f/u - f² into v0। तो ये बन गया एक फेमस क्वेश्चन, ये एक दो मार्क के लिए एग्जाम में पूछा जा सकता है, कभी कभी ये मैग्निफिकेशन क्या है पूछते हैं और उसके बाद रिलेशन पूछते हैं, कभी कभी आपको डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है एक या दो मार्क के लिए। तो ये था डिस्कशन अबाउट रिलेशन बिटवीन वी ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी ऑफ इमेज।